न्यू अप्सरा ज्वेलर्स 63 सालों से आपकी सेवा में समर्पित। हमारे यहाँ आपको मिलेगी हीरे सोने चांदी के आभूषणों की आकर्षक श्रृंखला। तो पता याद रखें, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश। किसी पुरानी फिल्म का गाना है कि मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, जिगर में आग लगाती है। अब पिया घर चलाने दूर शहर गए थे तो चाची ने भतीजे के साथ शादी फटका ली और चाचा जी टेलीफोन में ही लगे रहे। कसम से चाचा चाची से मोबाइल में पूछते रहे, कैसी है मेरी जान, कैसी है मेरी जान, सोना ने खाना खाया कि नहीं, मेरे बिना नींद अच्छी आती है कि नहीं। लेकिन चाची मोबाइल में सिर्फ हाँ हूँ कहती रही और मस्त तरीके से भतीजे से शादी फटका ली। कसम से नक्कटी चाची और घर का भेदी लंका ढाए भतीजे की बेसुरी, इश्क की लपलपाती लजाती शर्मिंदा करती, भयानक इश्किया दास्तान बिहार के शिवहर तरियानी के कुंडल गांव से जुड़ी है, जहाँ चाचा राम विनय साहनी की शादी 7 साल पहले कलमुई चाची शीला देवी के साथ हुई थी। वो शीला देवी को एक बेहतर जिंदगी देने के चक्कर में शहर काम करने जाते थे तो मौका पाकर चाचा की अनुपस्थिति में भतीजा बबलू चाची को शिवहर सीतामढ़ी मुजफ्फरनगर घुमाने ले जाता था। कसम से भतीजा चाची को डोसा इडली और पानी पूरी खिला खिला कर भतीजे ने चाची का दिल जीत लिया। कसम से चाचा बाहर काम करते रहे, यहाँ चाची भतीजे के साथ इसकिया काम करती रही और मुंह काला करवा दिया। कसम से जब प्यार ज्यादा ही परवान चढ़ने लगा तो दोनों अचानक गायब हो गए। जब वापस लौटे तो गांव की पंचायत ने उन्हें दबोच लिया। बाकायदा पंचायत बैठी और अंधेरे में टार्च के उजाले में चाची और भतीजे का गंदर विवाह करवा दिया। कसम से रात इंदौरी भी कहते शाम से पहले शाम कर दी, क्या कहानी तमाम कर दी। चाचा जब घर वापस लौटे तो उन्हें अपनी घरवाली बहू बनी मिली और वो अपनी पत्नी के एक मिनट में ससुर ससुर हो गए। कसम से दुनिया की इस भयंकर अनोखी इसकी दास्ता में इस चाची को लोग भला बुरा कह रहे, धुआं लगे इस चाची का नाक में जरा सी शर्म नहीं आई कलमुई को, अपने बेटे समान भतीजे से ही शादी फटका ली। कसम से जो लोग खूबसूरत घरवाली को किसी रिश्तेदार के हवाले छोड़कर बाहर शहर जाने लगे तो अब सतर्क हो जाए, नहीं तो आपका रिश्तेदार डोसा पानी पूरी और इडली खिलाकर घरवाली को सेट न कर ले। कसम से वसीम कुरैशी के साथ नफीस खान, सागर एक्सप्रेस न्यूज़, बिहार।